सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं जिस लेटेस्ट टॉपिक की बात करने वाला हूं, जिस कंपनी की डिटेल आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और गाइस, इस कंपनी में काफी बल्क में इसमें हायरिंग चल रही है। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड है या डोमेस्टिक प्रोसेस में जाना चाहता है और जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज या एक्सीलेंट है, तो दोनों ही कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये काफी शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है गाइस। सो गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं टोटली इसमें कवर करने वाला हूँ कि क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और क्या आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है गाइस। गाइस, आज जिस कंपनी की डिटेल आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ, बेसिकली इस कंपनी का नाम है आईनिजाजर प्राइवेट लिमिटेड। आईनिजाजर की बात करें तो बेसिकली ये बीपीओ सेक्टर की एक टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है और ये जो है करंटली नोएडा बेस्ड कंपनी है और जो है ये नोएडा बेस्ड कंपनी के लिए हायरिंग चल रही है। यहां जो है बेसिकली वॉइस प्रोसेस के रूप में कैंडिडेट के यहां पे काफी बल्क में इसमें हायरिंग चल रही है गाइस। गाइस, आईनिजाजर की बात करें, बेसिकली इसमें मैं एक एक्स एम्प्लॉयर रह चुका हूं और काफी शानदार कंपनी है। और गाइस, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज है तो डेफिनेटली आप जो यहां अप्लाई कीजिए, यहां आपको जो है कोई ना कोई प्रोसेस यहां पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस, यहां सैलरी टोटली नेगोशिएबल है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके कॉन्फिडेंस पे गाइस। गाइस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग नेगोशिएट कर सकते हैं, बाकी फ्रेशर कैंडिडेट भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है गाइस। और गाइस, आईनिजाजर में बेसिकली मैंने काफी एक शानदार यहां पे एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे यहां पे पता है कैसे यहां का वर्क एनवायरनमेंट काफी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें वर्किंग डेज आपके, अगर आप इंटरनेशनल प्रोसेस में जा रहे हैं तो 5 डेज रहती है और डोमेस्टिक प्रोसेस में 6 डेज यहां पे जो है यहां पे वर्किंग डेज रहती है गाइस। और गाइस, 1 आपका रोटेशनल वीक ऑफ रहता है फॉर डोमेस्टिक प्रोसेस में गाइस। गाइस, ये काफी शानदार कंपनी होने वाली है। लेकिन अगर आप करंटली दिल्ली या नोएडा में है या करंटली आप रिलोकेट हुए हैं या रिलोकेट होने की सोच रहे हैं या काफी बार आपने इंटरव्यू दे दिया बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली यहां ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको जो यहां पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, करंटली आईनिजाजर जिस प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है, मैं आपको जो पूरी डिटेल यहां पे शेयर कर देता हूं गाइस। सो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया। तो जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपको डायरेक्ट हो जाएगा कि आईनिजाजर अर्जेंट हायरिंग फॉर 1000 बीपीओ एसोसिएट्स में कैंडिडेट के यहां पे नीड है, मतलब 1000+ इसमें वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बल्क में इसमें हायरिंग चल रही है। और गाइस, ये बीपीओ सेक्टर में एनी टाइम वैकेंसी रहती है। आप मेरी वीडियो कभी भी देख रहे हैं, सो डेफिनेटली आप जो आईनिजाजर में ज्वाइन कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इसमें 0 to 3 ईयर का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं या 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। और गाइस, ये 1000+ वैकेंसी है। और गाइस, 2 लाख पर एनएम से लेकर 3 लाख पर 3.5 लाख पर एनएम आपकी जो सैलरी यहाँ पर नेगोशिएट हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर गाइस। और गाइस, जॉब लोकेशन आपकी नोएडा होने वाली है और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है वो होने वाला है नोएडा सेक्टर 59 गाइस। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेट इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि इसमें स्लॉट ऑलरेडी मेंशन है कि 17th of March to 22nd of March तक यहाँ पे डायरेक्टली आप वॉक इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, मतलब 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक यहाँ पे बल्क में इसमें हायरिंग होने वाली है, मेगा हायरिंग होने वाली है। और यहाँ पे जो है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कभी भी जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप जो है 10 से 11 के बीच में चले जाए, क्योंकि 10 से 11 बजे ही HR यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली अगर आपका सिलेक्शन होता है तो विद इन 2 डेज या 48 आवर्स के अंदर आपको जो है ऑफर लेटर भी मिल जाता है। और गाइस, इसमें एड्रेस ऑलरेडी मेंशन है कि आईनिजाजर गेट नंबर 1A37 सेक्टर 16 नोएडा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विल बी नोएडा सेक्टर 59 होने वाला है। और गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आप कोई अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं या कंफर्मेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे HR का नंबर ऑलरेडी मेंशन है, इसमें नितिन मित्तल जी का ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, 8611022579 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप के थ्रू अपना CV सेंड कर सकते हैं। और जो है जिस डेट को भी आप जो शेड्यूल कराना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि करंटली हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है, तो ये आपको जो कंफर्मेशन दे देंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्टली वॉक इंटरव्यू जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहने वाला है गाइस। क्योंकि गाइस, जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक किया था, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं डायरेक्टली वॉक इंटरव्यू के लिए गया था। मैंने कोई naukri.com पर सर्च किया था तो मैं डायरेक्टली इनके ऑफिस में गया, तो मेरा जो है स्टेप बाय ऐसा मुझे विद इन 3 डेज लगे यहाँ पे कंफर्मेशन लेने में, ऑफर लेटर लेने में। तो गाइस, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप आईनिजाजर में जाना है तो आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और गाइस, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है गाइस। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से कर रखे तो आप एलिजिबल होने वाले हैं गाइस। और गाइस, एजेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, वर्किंग डेज रहने वाले 24/7। और गाइस, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको जो बोलना और लिखना दोनों ही आना चाहिए इसमें। बेसिकली गुड कस्टमर सर्विस स्किल्स शुड डिस्प्ले गुड एनालिसिस एबिलिटी, बाकी कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपकी एक ट्रेनिंग होनी, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोसेस की आपको ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग भी आपकी पेड होने वाली है। और
सबसे पहले अगर आपको जो है बीपीओ में अगर सिलेक्शन होता है तो बेसिकली इसमें आपको जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, ऑन कॉल कस्टमर की जो है रेजोल्यूशन देना होगा। बेसिकली जो भी कस्टमर का क्वारीज होगा वो आपको जो सिनेरियो वहाँ पर सिस्टम में टाइप करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो एक स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वही आपको रिपीट करना है गाइस, अपने स्टाइल में करना, अपने वर्ड में करना, जितने अच्छे से जो है कस्टमर समझ जाए। बेसिकली ये हमारा रोल्स होने वाला है गाइस, इंटरेक्शन हमारा डायरेक्टली जो है कस्टमर के साथ होने वाला है। और इसमें जो सैलरी 18,000 से लेकर 30,000 तक नेगोशिएट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आरसीजी का भी कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन है, 7303399482 पे आप इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी नितिन मित्तल जी को भी आप कर सकते हैं। गाइस मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए गया था, मैंने खुद यहाँ पर सिलेक्शन लिया था। और गाइस कोई भी रेफरेंस आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है, स्किल्स है, तो एक शार्प माइंड होकर जाइए। और गाइस अगर आप बीपीओ सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको जो जब एचआर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा तो बेसिकली आपको जो है उसका आंसर देना है, मतलब आपको रुकना नहीं है, मतलब आपको कुछ ना कुछ बोलते रहना है उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो एचआर उस चीज को इग्नोर कर लेगा, क्योंकि आपको जो प्रोसेस की ट्रेनिंग वो अलग दी जाएगी, वो भी समझता है, लेकिन एचआर ये समझता है कि यार इसका कॉन्फिडेंट कितना है, क्या ये कस्टमर को हैंडल कर पाए नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप चुप हो जाएंगे, डर हो जाएंगे, तो कभी कस्टमर जो भड़का हुआ आता है तो आप जो है कैसे उसे हैंडल करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी जो है सिचुएशन को फेस करना होता है। तो जितने ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होगा और हम चीज़ों को जो है बोलेंगे, चाहे हम गलत ही बोल लें लेकिन हम बोल लें, तो वो चीज़ें एचआर एक प्लस पॉइंट होता है, जिससे कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाता है गाइस। तो गाइस ये कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि हमें इंटरव्यू में फॉलो करने चाहिए गाइस। तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जस्ट पूरा अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, तो सारी डिटेल आप चेक करके फिर जो डायरेक्टली वॉक इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं गाइस। तो गाइस ये था आज का अपडेट जो कि डायरेक्टली आईएनजेएस से निकल के आया था। मेगा हायरिंग यहाँ पे चल रही है 17th of March से लेकर 22nd of March, जो कि मैंने सारे अपडेट आपको जो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो गाइस मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप भी जो अप्लाई आप लोग अप्लाई कर लीजिए गाइस। और गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन पे आप क्लिक कर लीजिए, मैं ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ गाइस। सो गाइस आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो